मेरा नाम प्रियंका श्रीमाली है, मेरी एज 29 साल की हूँ और मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। मेरा 1 मंथ का बेबी है। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे यहाँ दर्द होता था, उसके बाद भी जब डिलीवरी हो गई उसके बाद भी मेरा दर्द होता ही रहता था, तो बताया तो पिताशय की पथरी बताई। उसके बाद हम अहमदाबाद आए और डॉक्टर चिराग ठक्कर सर से मिले, उन्होंने मेरी सर्जरी करी। आज सुबह ही मेरी सर्जरी हुई है और उसके 2-3 घंटे बाद मैं चलने फिरने लग गई, वॉशरूम भी गई और मैंने लिक्विड दिया गया मुझे, फिर मुझे खाना भी खिलाया और मैं अब ठीक हूँ। और मेरा बेबी है उसको भी मैंने फीडिंग वगैरह करवाई है और अभी मुझे डिस्चार्ज दिया जा रहा है। मैं प्रियंका श्रीमाली उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले और आज मैं उदयपुर जा रही हूँ वापस। और पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरे क्या 1 मंथ की बेबी, इस वजह से मैं बहुत घबरा रही थी कि क्या होगा मेरे ऑपरेशन के बाद, मैं बेबी को फिटिंग करा पाऊँगी कि नहीं, और मुझे ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा। और वो जो दर्द पहले होता था वो ऐसा नहीं होता था, मैं घबरा जाती थी। और उसके बाद जब मेरा ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ उसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है और आज मैं उदयपुर जा रही हूँ। मेरी सिचुएशन है वैसी किसी की और सिचुएशन है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको डरना नहीं है और ऑपरेशन आराम से हो जाता है। मेरा नाम प्रियंका श्रीवाली है, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ और मैंने मेरे पिताशय की पथरी का सर्जरी हुई है चिराग ठक्कर के सर के यहाँ। और मेरे पिताशय की पथरी को निकाला गया गॉल ब्लैडर को, लेकिन उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई और अभी मैं 1.5 महीने बाद वापस सर से चेक कराने आई हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरे डाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और खाना खाने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि खाना पच नहीं रहा है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जो रूटीन पहले चल रहा था वही चल रहा है और मेरा छोटा बेबी है अभी 2.5 महीने का, तो उसको भी आराम से फीडिंग वगैरह करवा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके की किसी को हो पिताशय की पथरी तो आपको डरना नहीं है, इसका इलाज है और आपको घबराना नहीं है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन।